नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कुकिंग हमने किचन में कर लिया ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बाहर लेके जाऊं, हमारे ओणम के प्रिपरेशन आपको दिखाऊं। तो ये हमारा पहला व्लॉग रहेगा, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम ओणम के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा चालू होता है बनाना, चिप्स बनाना, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। सिचुएशन थोड़ी हमारी खराब है यहाँ पे कोरोना उसकी वजह से, हम जानते हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हम भी कर रहे हैं। तो इस साल ओणम है 31 अगस्त को, तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि हमारा प्रिपरेशन केरला में कैसे होता है। तो चिप्स बनाने के लिए पहले तो हमें कच्चा केला चाहिए रहेगा, तो हम एक प्लांटेशन में जा रहे हैं जहाँ से हम ये कच्चा केला जो हमारे बनाना चिप्स के लिए चाहिए वो हम खरीद के लेके आएंगे। तो ये देखिए, ये है केले का प्लांटेशन। ये जो केला है ये हमारा देसी केला है और यही चीज़ हम चिप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इस केले की थोड़ी पेक्यूलियरिटी है, जैसे इसका जो पौधा है बहुत बड़ा रहता है और ये केला भी बहुत लंबा रहता है, आप देख सकते हो ना, तो ये इसके पत्ते भी थोड़े कंपैरेटिवली बड़े रहते हैं। तो हमने वहाँ से ये ले लिया है, तो अभी हम इसको लेके जाएंगे जहाँ पे हम ये कुक करने वाले हैं। तो हम थोड़ा उस हॉल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, तो हम एक ओपन स्पेस में बनाएंगे, तो वहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। तो हम पहुँच गए, यहाँ पे लिखा है NSS करेओगा, मतलब नायर सर्विस समाज, उसका एक हॉल है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा गैदरिंग वगैरह रहता है, नायर कम्युनिटी में ये रहता है। और ये उसके बाजू में ही 2-3 मंदिर है, तो एक मंदिर मैं आपको दिखा रही हूँ। केरला में ज़्यादातर मंदिरों के सामने ऐसा आपको पीपल का ट्री देखने को मिलेगा। तो बाजू में यहाँ पे केला इसमें से निकालना, यहाँ पे दीदी चालू कर रही है, तो हम देख सकते हैं कि वो एक एक केला करके उसमें से निकालेगी। तो केला तो हमने एक एक करके छान लिया। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन हो रहा है कि कौन कौन सा सेक्शन हैंडल करेगा, तो सब अपने अपने काम में अभी लग जाएंगे। पील कौन करेगा, इसको काटेगा कौन, वैसे करके। तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट अपना चालू हो गया है जिसका छिलका निकाल रहे हैं, केले का छिलका निकाल रहे हैं। हमें एकदम से कच्चा केला यूज़ नहीं करना है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद ही हमें उसे तोड़ना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ज़रा आप एक केला निकाल के चेक करके देखिए, ऐसे उसके छिलके निकलने चाहिए। तो आप देख सकते हो ये से हाथ से ही छिलका निकल गया, इनके हाथ में नमक लगाया है क्योंकि ये हाथ में चिपके ना, तो आप देख सकते हो हमने ऐसा निकाल लिया है। तो यहाँ पे बाकी जो भी केले हैं एक साइड में उसका छिलका हम ऐसे निकालते जाएंगे, और बाजू में यहाँ पे आप देख सकते हो दीदी इसको छील रही है। तो एक इसका जो मोटापा रहता है वो इवन रहना चाहिए, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे जल्दी जल्दी में कर रही है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से आ रहा है ना, राउंड शेप में, और उसका थिकनेस भी परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट, ये सेक्शन में ये चालू रहेगा, इसको छीलना एक जन करेंगे और इसको ऐसे काटेंगे एक जन। तो बाजू में ही अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइम पास भी चल रहा है, ये मेरी मौसी है, बाकी सब मेरे मौसी के नेबर है, मैं मौसी के घर के वहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे हमने सब ने काम डिवाइड किया है, तो जैसे ही ये काम यहाँ पे चलता रहेगा तो बाजू में इसको स्प्रेड करके रखेंगे, क्योंकि ये चिपके ना, अगर हम एक साथ रखेंगे तो एक एक जैसे वो चिपक जाएगा, ठीक है। तो अभी मौसी चूल्हा जलाएगी, मतलब गैस जलाएगी। इसके लिए बहुत तेज़ आग की ज़रूरत रहती है, ऑयल जो है बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, तो उसके लिए हम थोड़ा बड़ा सा ही ये लेंगे जिसमें आग अच्छे से आए। तो अभी हम इसके ऊपर बर्तन रखेंगे। ये जो कढ़ाई आप देख रहे हो इसको उरली बोलते हैं, हाँ, यहाँ पे हम जब बल्क में कुछ भी बनता है, खीर हो जो भी, हम इसमें बनाते हैं, इसको उरली बोलते हैं। और इसका पोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो इवनली ये कुक नहीं होगा। तो अभी इसका हमने अच्छे से उसको प्लेस कर लिया है, अभी हम इसको जलाएंगे। तो पहली बार, आज के दिन पहली बार कर रहे हैं, तो थोड़ा प्रे करके हम जलाएंगे। तो
प्रे करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अच्छे से आना वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो इसके लिए हम इसको गर्म होने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे। हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है, ये कुछ और ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल है। कल रात को हमने थोड़ा सा इमरजेंसी में हमें बनाना था, इसके लिए थोड़ा सा हमने बनाया था, वही ऑयल है। हल्दी यूज़ करने की वजह से थोड़ा पीला रंग है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम कोकोनट ऑयल में यूज़ करते हैं। आप नॉर्मल रिफाइंड और आपके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, ज़रा हम चेक कर लेते हैं। देखिए, एक पीस डालेंगे ना तो एकदम से ये ऊपर आ जाएगा। देखिए, एकदम से ऊपर आ गया ना, मतलब ये परफेक्टली गर्म हो गया है। बहुत हॉट ऑयल चाहिए हमें स्टार्टिंग में, तो हम इसमें बाकी भी डाल लेते हैं। देखिए देखिए, जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा है ना, जैसे हम डाल रहे हैं वो एकदम से ऊपर आ रहा है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आगे मैं आपको हर एक स्टेज इसका बताऊंगी, इसको कुक करने के टाइम पे हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा केला है, इसी वैरायटी के केले में ये परफेक्टली बनता है और इसी में हम केरला में ये बनाते हैं, और कोई केला इसमें यूज़ नहीं करते। और डालने के बाद एकदम से मिक्स नहीं करना है, अगर कुछ चिपक गया है उसको थोड़ा हल्के हाथ से, देखिए मेरी मौसी हिला रही है ना, हल्के हाथ से उसको स्प्रेड करना है, और नीचे भी चिपके ना बस उतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा इसको बिल्कुल भी स्टार्टिंग में हिलाना नहीं है। 5 मिनट के बाद हम इसको हिलाना चालू करेंगे, तो उसको वहाँ पे रहने देते हैं थोड़े टाइम के लिए, एक 5 से 8 मिनट तक वो वहाँ पे गरम तेल में ज़रा उसको फ्राई होने दीजिए, और मीडियम फ्लेम पे कर दीजिएगा। डालने के बाद फ्लेम जो है मीडियम कर दीजिएगा, नहीं तो बाहर से जल्दी पक जाएगा। तो देखिए 5 मिनट हो गया, 5 से 10 मिनट हो गए, तो देखिए थोड़ा सा वो श्रिंक हो गया ना, पकना चालू हो गया है, तो फ्लेम मीडियम से कम में है ताकि वो अच्छे से अंदर भी उसका थोड़ा क्रिस्प हो जाए। तो तब तक यहाँ पे हमने ग्लास में पानी लिया है, उसमें हम एक 3 से 4 टेबलस्पून नमक डालेंगे, और उसी के साथ थोड़ी सी हल्दी, और उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसका क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगी, इसको अच्छे से हम मिक्स करके बाजू में रख देते हैं। अभी थोड़ा टाइम हो गया है, ये देखिए अभी मैंने आपको आवाज़ सुनाई ना, ये जो आवाज़ है ना सिक्को जैसी आवाज़, तो जैसे ही वो आवाज़ आती है हम ये मिक्सचर डालेंगे। इतनी क्वांटिटी के लिए 4 टेबलस्पून नमक का मिक्सचर डालेंगे, और जब हम नमक का मिक्सचर डालते हैं इसको हिलाना नहीं है, उसके बाद ही हमें देखिए अच्छे से हिलाना है। जब वो मिक्सचर डाल रहे थे दीदी ने हिलाया नहीं था, उसके बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, देखिए आवाज़ देखिए सिक्को जैसी आवाज़ है ना, तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अभी आगे क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आगे इसके साथ क्या करते हैं। तो अच्छे से हम इसको, देखा आवाज़ देखा आपने, हाँ जैसे सिक्कों की आवाज़ आती है ना वैसे इसकी आवाज़ आएगी। अभी मैं दिखाती हूँ और बात, देखिए परफेक्टली डन है। अगर ये आवाज़ ऐसे आएगी नहीं, परफेक्टली डन है, इसका मतलब बहुत अच्छे से आया है। बहुत खुशी होती है जब ऐसी आवाज़ उसकी आती है ना, हमें बहुत दिल में बहुत सुकून मिलता है। तो अभी हम इसको स्प्रेड कर लेते हैं। ये स्प्रेड इसके लिए करें क्योंकि ठंडा हो जाए, नहीं तो गरम गरम पैक करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। और प्लीज़ फ़ैन के नीचे या डायरेक्ट हवा के नीचे उसको ठंडा होने के लिए मत रखिए। अच्छा, ऐसे ही नॉर्मल सरफेस आप कहीं पे भी इसको ऐसे रख सकते हो। तो ये ठंडा हो गया है थोड़ा सा, तो हम घर के उसके हिसाब से, अगर आपको घर के उसके लिए है तो आप डब्बे में एयर टाइट रख सकते हो, नहीं तो अगर आपको बाहर देना है तो आप ऐसे पैक कर सकते हो। हमें सारे घरों में भी देना है, और जो हम ये कर रहे हैं हम भी अपने घर में लेके जाएंगे, तो इक्वली। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। हमने पूरी तरह कोशिश की है कि आपको अच्छे तरह से समझाएं कि हम ओणम के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और बनाना चिप्स